डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 44। तो इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे दिया हुआ है 5.9, तो यहाँ पे लिखते हैं 5907, और यहाँ पे 8.3, तो 83 लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 7 3 21 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे तो 0 हो गया, और ये 2 हाथ वाला जो है ये आ जाएगा। 9 3 27 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 2 बचा हुआ हाथ में, 5 3 15 16 17 यहाँ पे हो गया इतना, 8 5 8 7 56 हो गया, तो यहाँ पे 6 5 बचा हुआ है, ये 0 हो जाएगा, तो वही 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ 9 8 72 2 हो गया, हाथ में 7 बच गया, यहाँ 7 कर देते हैं, 5 8 40 और 7 47 हो गया, यहाँ पे 47 लिखते हैं, और इसको करेंगे प्लस, तो यहाँ पे 1 8 हो गया, यहाँ पे 12 2 और यहाँ पे 9 1 10 हो गया, 0 1 बचा हुआ है, 8 और 1 9 और यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 1 2 और 3 3 नंबर, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे लेते हैं 9 नंबर, और 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5.7, तो इसको 98 लिखेंगे और 57 लिखते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 87 56 हो गया, यहाँ पे 5 बच गया, 7 9 7 63 और 5 हो गया, तो 5 3 8 68 हो गया, तो 68 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 8 5 40 एक क्रॉस लगाएंगे, 0 बच गया 4, और 9 5 45 45 और 4 49 हो गया, 49 इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं प्लस, 6 हो गया, 8 और 9 5 15 5 1 बच गया, और ये 5, तो कितना है 1 2, तो 2 नंबर के बाद लगाना है पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऊपर में 194 और यहाँ पे 76 ले लेते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 6 4 24 4 हो गया, 2 बच गया, और 9 6 54 54 और 2 56 हो गया, तो 6 देते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ 6 1 6 और 5 11, तो 11 लिख देते हैं, और 7 4 7 4 28 हो गया, तो यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, 28 8 लिखेंगे और 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 9 7 63 और 2 65 हो गया, तो कितना बच गया, 6 बच गया हाथ में, 7 1 7 और 6 12 13 हो गया, तो 13 यहाँ लिख देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 6 8 14 1 बच गया, 6 और 1 15 6 1 और 6 और 1 5 और 1 6 हुआ, और हाथ वाला 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, 1.4744 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं यहाँ पे 11, और इसमें क्या दिया हुआ है, 5 6.56.12 by 8.91, ये बड़ा नंबर है तो इसको ऊपर रख लेते हैं, 5 6 1 2 और यहाँ पे हो गया 8 9 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, 1 से देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही नंबर रह जाता है, 2 1 6 5 ये हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सा नंबर आएगा, 9 2 18 हो गया, 1 बच गया, और 9 1 9 और 1 10 हो गया, तो 0 अभी भी 1 बचा हुआ है, 9 6 54 और 1 55 हो गया, तो अभी 50 इसमें 5 बच गया हाथ में, और 9 5 45 45 और 5 50 हो गया, इतना बड़ा नंबर आ गया। अब यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ पे 8 2 16 16 1 1 हाथ में रह जाएगा, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 1 8 1 9 हो गया, और 8 6 48 हो गया, 48 तो 8 रहेगा, 4 बच गया, 8 5 40 और 4 44 हो गया, इसको करते हैं ऐड, तो यहाँ पे दिखने वाला है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 6 12 2 1 बच गया हाथ में, और यहाँ पे 10 और 9 19 और 1 20, अब 2 बचा हुआ है, फिर 10 हो गया यहाँ पे,
वन बचा हुआ है यहाँ पे, नाइन और वन टेन हो गया, फिर जीरो, फिर वन बचा हुआ है यहाँ पे फाइव। तो पॉइंट कितने नंबर पे लगेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये दो और दो चार, तो दो दो चार यहाँ पे लगा देते हैं 500.0292, ये हो जाएगा। तो ये इसका 11 का आंसर ये हो जाएगा।